नीतीश कुमार के जुड़ने से इंडिया गठबंधन को बहुत ही बड़ा नुकसान है, क्योंकि वहां पर बीजेपी के पास कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं था। नीतीश कुमार के रूप में उनको एक बहुत बड़ा चेहरा मिल जाएगा, इससे बीजेपी और मजबूत होगी और राम राज्य की ओर जो बढ़ना चाह रही है, जो देश को ले जाना चाह रही है, इससे वो सार्थक कदम है और बीजेपी को फायदा है, इंडिया को नुकसान। नीतीश कुमार का बीजेपी में जुड़ने से बीजेपी को निश्चित तौर पर फायदा होगा, अपेक्षित फायदा नहीं हो पाएगा लेकिन फायदा जरूर होगा। उसका कारण ये है कि ये जो एनडीए में जाते जो वोट का ध्रुवीकरण होता वो वोट हमारे तरफ शिफ्ट। बीजेपी में नीतीश कुमार शामिल हो रहे हैं, क्या बीजेपी को इससे फायदा होगा या नुकसान? जी बहुत फायदा होगा बिल्कुल। पहले से ही मान के चलिए हमेशा बीजेपी के सपोर्ट ही शुरू से करते आए हैं, इसी नाते जो भी है बिहार में जब भी ये मुख्यमंत्री चुने गए हैं भाजपा के ही शामिल होने की वजह से काफ़ी फायदा उनको मिलता है हमेशा नीतीश कुमार के फर्स्ट पॉइंटर के। बीजेपी में शामिल होने से क्या बीजेपी को फायदा है या नुकसान? देखिए जहाँ तक गठबंधन की बात है, बीजेपी गठबंधन में अगर ये शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा होगा। भाजपा हमेशा अपने फायदे में ही काम करते हैं, नुकसान में नहीं। और नीतीश कुमार जी का ऐसा है कि उनकी तो मंत्री पद जाने वाला है, तो वो फिर अब परशुराम बन के भाजपा के दामन थाम लिए हैं और भाजपा को भी अभी जरूरत है, तो भाजपा का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। आप कितनी गद्दारी करो पर भाजपा आपके आसानों को नहीं भूलती, और इस कारण नीतीश कुमार का भाजपा प्रवेश कोई गलत नहीं है, एक सही कदम। कुमार जी के बीजेपी में आने से बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान होगा, उसके दो तीन फैक्टर हैं। सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि बिहार में राजनीति जो है जातिवाद की राजनीति है और वो चरम पे है। दूसरी बात ये है कि आज हमको एक सशक्त भारत के लिए मोदी जी की बहुत ही आवश्यकता है, उनको प्रधानमंत्री 2024 के लोकसभा में बनाने की बहुत आवश्यकता है, और इसके लिए इंडिया गठबंधन को कमजोर करना या कमजोर होना बहुत ही जरूरी है। अभी जो है नीतीश कुमार जी अवसरवादी हैं, वो इंडिया गठबंधन में चले गए थे और उनको संयोजक बनाया गया था पार्टी का, लेकिन इंडिया गठबंधन में सारे लोग प्रधानमंत्री के दावेदार हैं और उनको महत्वपूर्ण पद नहीं मिलने से वो फिर से इंडिया गठबंधन से नाराज हो गए। अब वो फिर से बीजेपी में आना चाहते हैं, और एक बार अटल जी ने कहा भी था कि यदि किसी प्रदेश की सरकार गठबंधन से बनती है तो बनाने में कोई बुराई नहीं है। फायदा होगा या नुकसान? लंबा फायदा होगा, ऐसे तो नेताओं को वोट ही नहीं देना चाहिए जो बदल देते हैं पार्टी को। लालू साहब पहुंच जाते हैं, कोई बीजेपी पहुंच जाते हैं, कांग्रेस पहुंच जाते हैं, उनका क्या बजट है? ये तो अपना मतलब हल करना चाहते हैं बस, इसलिए मतलब ये दर भागते हैं। और राष्ट्रीय पार्टी तो भाजपा है, उसी को फायदा होगा, उसी को वोट। नीतीश कुमार बीजेपी में जा रहे हैं तो भाजपा को फायदा होगा या नुकसान? फायदा होगा बीजेपी को। किस तरह से देखते हैं, क्या फायदा होगा, क्या लगता है आपको? जो वोट है उनका है, उनकी जाति का, उनको वो भी मिलेगा, और जो बिहार में है उनका 20-25% वोट था वो बीजेपी को मिल जाएगा, बीजेपी को वोट उनको नहीं मिलता, और उनका भी पैसे में उनको भी फायदा होगा, अधिक बीजेपी को होगा। हमारे बीजेपी में जुड़ने से क्या बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान? ये तो बीजेपी जाने और आदरणीय नीतीश जी जाने कि दोनों लोगों का क्या फायदा है क्या नुकसान है। और इस लोकतंत्र में भाई किसी को कुछ कहा जाने, एक दूसरे को लोग कही रहे हैं, एक दूसरे को पटकनी देने पर तैयार हैं, अपनी अपनी जुगत लगा रहे हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे नीतीश जी हो या और भी तमाम नेता हैं, जो भी किसी को जनता की, देश की, राष्ट्र की, नौजवानों के बेरोजगारी की, महंगाई की, भ्रष्टाचार की और देश की जीडीपी की स्थिति के बारे में कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ एक दिखावा है। सब सत्ता में बैठे रहना चाहते हैं, सिर्फ लोगों को, जनमानस को, देश की, प्रदेश की, गांव के मजदूरों को, किसानों को, नौजवानों को, छोटे व्यापारियों को, सबको दिग्भ्रमित करते हैं अपने आगे। तो इन बड़े नेताओं का क्या कहना है, जहां अपनी फ़ायदा पहले देखते हैं, जहां अपनी सत्ता आते देखते हैं, जिससे फ़ायदा होता है उससे अपना अपना काम करते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और उत्तर बिहार के मुख्यमंत्री जी नीतीश जी बता सकते हैं क्या फ़ायदा नुकसान है, वो लोग जाने। भाई मंडल की जो राजनीति थी, जो नीतीश कुमार ने भी
जाति जनगणना कराई, उससे वो फ्रंट में था। और अब नीतीश कुमार जी भाजपा में अगर आ जाते हैं तो उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी का वहाँ कोई बड़ा गद्दार नेता नहीं है। और दूसरी चीज़ एक और चीज़ है कि जो लालू प्रसाद यादव उनके लड़के हैं, तो उनका जो अपना इनका जो गठबंधन हुआ था वो पहले से ही अस्थायी लग रहा था, लेकिन इस दफ़े इसमें नो डाउट बीजेपी को फ़ायदा होगा और मैक्सिमम सीटें इनका गठबंधन। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे, कहीं ना कहीं भाजपा को इसका लाभ मिलेगा। और नीतीश कुमार जी ने बिहार में काफ़ी काम किया है, लेकिन जितना भाजपा सोच रही थी उस स्तर पे तो नहीं कर पाई है, लेकिन निश्चित तौर पर नीतीश जी आए हैं तो कुछ ना कुछ राजनीतिक लाभ तो भाजपा को मिलेगा ही, क्योंकि बिहार के लोग भी बहुत बड़े समर्थक हैं नीतीश जी के भी, मोदी जी के भी। तो क्योंकि पहले नीतीश जी भाजपा में रह चुके हैं और उन्हें वहाँ किस तरह से क्या है पता है, तो नीतीश जी ज़रूर से ज़रूर कुछ ना कुछ भाजपा को लाभ देंगे। और कहीं ना कहीं नीतीश जी भी भाजपा की विचारधाराओं से सदैव प्रभावित रहे हैं और उन्हीं की विचारधाराओं को लेकर वो कार्य करते हैं। आपको बीजेपी को फायदा और नुकसान नहीं है, वो आदमी ऐसा है कि इधर दौड़ो और उधर जाड़ो, जिधर गन्ना मीठा है उधर चूको और इधर चूको। तो आप अपना अपना लाइन में रहें और अपना अपना लाइन में रहकर बातचीत करें कि फायदा नुकसान है उसमें क्या है। मोदी जी को फायदा नहीं है ना नुकसान भी ही नहीं है, वो अपना नहीं है, देख रहा है कि इधर जाऊं तो उधर जाऊं, जिधर जिधर अच्छा लगेगा उधर। अरे एक तरफ रहो ना, रहने से कोई दौर दुख नहीं है। आप एक तो भाजपा में रहो नहीं फिर अन्य दल में रहो, उससे हमको कोई लेन देन नहीं है। नीतीश कुमार जी अभी इंडिया इंडी गठबंधन के संयोजक थे और उनको इंडी गठबंधन में महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिला, जिससे वो इंडी गठबंधन से थोड़ा नाराज चल रहे थे। और उनके बीजेपी में जुड़ने से बीजेपी को निश्चित रूप से फायदा होगा, क्योंकि नीतीश कुमार ओबीसी के बड़े चेहरे हैं बिहार के, और बिहार में जातिवाद बहुत चरम पर है और वहाँ लालू यादव जी की मजबूत है वहाँ पे पार्टी। तो बीजेपी को वहाँ पे नीतीश कुमार जी के जुड़ने से फायदा होगा, क्योंकि नीतीश के इंडिया गठबंधन छोड़ने से इंडिया गठबंधन कमज़ोर होगा, जिसका फायदा बीजेपी को मिलेगा बिहार में। बीजेपी में नीतीश कुमार शामिल हो रहे हैं, बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान? 100% फायदा होगा, वहाँ 40 की 40 सीटें एनडीए गठबंधन चुनाव जीतेगी, बहुत 100% फायदा होगा सर, उसमें कोई दो राय नहीं है। और पूरी तरह से आरजेडी वहाँ आरजेडी का सपना साफ हो जाएगा। कुमार को बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी को फायदा या नुकसान? देखिए, नीतीश कुमार को बीजेपी में शामिल होने से न बीजेपी को फायदा है न नीतीश कुमार को फायदा है। नीतीश कुमार अपने आप को एकदम बिचौलिया साबित करने पर तुले हुए हैं। बिहार की गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही थी, नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी बहुत बढ़िया आयाम पर पहुंच रही थी। पूरे उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों से लोग जाके वहाँ शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी पा रहे थे, बहुत अच्छा काम चल रहा था। एक बार पुनः नीतीश कुमार ने ऐसा कदम उठा के अपने आप का दोगलापन जागृत किया है, इसकी निश्चित तौर पर भाजपा और नीतीश कुमार का स्वयं का नुकसान है। बिहार में हर बार नीतीश कुमार कभी बीजेपी के साथ कभी आरजेडी के साथ सरकार बनाते रहते हैं। नीतीश कुमार पिछड़ा वर्ग से आते हैं और बिहार में जातिवाद की राजनीति चरम सीमा पर है, तो नीतीश कुमार को अब ये एहसास हो गया है कि आने वाला भविष्य एनडीए का है, भाजपा का है। राम मंदिर बनने से और ये धारा 370 हटने से पूरा वातावरण पूरा देश में बीजेपी में हो चुका है, इसलिए वो फिर से बीजेपी और एनडीए में आना चाह रहे हैं। और इससे बीजेपी को नुकसान तो नहीं होगा, वरन फायदा ही होगा। बिहार में वैसे बीजेपी को फायदा होगा और बीजेपी को ही आना चाहिए इसके लिए तो, और प्रधानमंत्री मोदी जी ही रहे ज़्यादा अच्छा है। बिहार में अगर नीतीश कुमार एक
हस्ती है और एनडीए गठबंधन का सबसे पॉजिटिव जो था अगर नीतीश कुमार था तो वो नीतीश कुमार ही था। और बीजेपी में यदि नीतीश कुमार आएगा तो करेंटली 100% बीजेपी को फायदा होगा, परंतु आने वाले समय में नीतीश कुमार भी एक ढलता सूरज है, वो ज़्यादा दिन साथ नहीं दे पाएगा और उसके कारण बीजेपी के जो जनाधार धीरे धीरे जो बढ़ रहा है, कार्यकर्ताओं का जुनून बढ़ रहा है, वो उसमें भी थोड़ा सा ब्रेक लगे, ये भी हो सकता है। इसलिए उसका पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। लेकिन मोदी जी ने जो कर्पूरी ठाकुर वगैरह को पुरस्कार के लिए चुना है तो उससे भी निश्चित रूप से वहाँ पे भाजपा का जनाधार बढ़ा है। जिस हिसाब से बिहार के राजनीति के उठल पुथल चल रही है उसको देखते हुए आज देश में गठबंधन की राजनीति है ही है, और यहाँ पर जातिगत समीकरणों को देखते हुए तो मेरे को लगता है कि नीतीश जी के आने से भाजपा को फायदा भी है और नुकसान भी है। और उससे मेरा मत ये होता है कि नुकसान तो कम ही होगा, फायदा तो जरूर होगा। जिस हिसाब से 2024 के गठबंधन में लोगों ने नीतीश कुमार को आगे करके अपना नेता चुन रहे थे उसके देखते हुए गठबंधन में दरार तो है ही है। और संभवतः मेरे को लगता है कि 2024 का चुनाव मोदी जी के लिए, मोदी जी को तो कोई पार नहीं पा सकता, और 2024 में मोदी जी ही आएंगे। और जिस हिसाब से बिहार के राजनीति की उथल पुथल चल रही है वहाँ कोई ऐसा मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ उठा पटक हो या ज़्यादा कुछ ऐसा उनके आने से पार्टी को नुकसान हो। नीतीश कुमार जी पहले भी भारतीय जनता पार्टी अलायंस में थे, किसी भी कारणवश वो हट गए थे। आज हमारे मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी की मुख्यमंत्री बनाने से बिहार का जो यादव वोट भारतीय जनता पार्टी की ओर आ रही है, उसके देखते हुए नीतीश कुमार जी ने अपना निर्णय लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उनको मालूम है कि हमारा जो वोट है भारतीय जनता पार्टी को जाने वाला है, इसलिए वो फिर से हमारे भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं और उनके आने से भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ेगा भी और बिहार में हमारी सीट भी बढ़ेगी। नीतीश कुमार शामिल हुए हैं, उसको लेके क्या बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान? नीतीश कुमार का स्वयं तो बहुत बड़ा नुकसान होगा और साथ साथ जो है वो बीजेपी को भी ले डूबेंगे। बिहार की जनता मूर्ख है, बार बार ये जो है बिहार की जनता को इतना बढ़िया जो है इस सरकार में तेजस्वी ने जो है नौकरी देने का नौजवानों को काम किया है। उत्तर प्रदेश से लोग जाकर के वहाँ बिहार में शिक्षा की नौकरी प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे में जो वहाँ की जनता तेजस्वी के साथ है और जो है इससे दोनों को नुकसान होगा। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि सबका साथ सबका विकास, और बिहार में चूंकि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री एक बहुत बड़ा चेहरा होता है, इसलिए नीतीश कुमार जी के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को बहुत, नीतीश कुमार के बीजेपी से जुड़ने से भाजपा को फायदा होगा। वो कैसे? पहले भी दोनों का अलायंस हो चुका है, बिहार में जातिवाद राजनीति ही चलती है और राजनीतिक समीकरण जो है लगभग 5-7% वोट भाजपा को और जीते। नीतीश कुमार के अलग होने से वो जा रहा था दूसरे पाले। नीतीश कुमार यदि साथ में जुड़ता है तो उसके जो 5-7% वोट है वो भाजपा को मिल जाएगा, उससे वह लोकसभा चुनाव में जो है अच्छी सफलता प्राप्त करेगा, 40 में 39 सीट आने की संभावना है। नीतीश कुमार जी जो जा रहे हैं, जो इंडिया गठबंधन बना है उस गठबंधन में रहना चाहिए। अभी देखिए लोकसभा का चुनाव जो है सर पे है और जिस तरह से जा रहा है उन पार्टी में, जिस तरह से सूचना मिल रही है, मीडिया में दिखाया जा रहा, उनके कुछ विधायक भी बगावत कर रहे हैं और कुछ लोग भी कह रहे हैं उनके जाने के लिए नुकसान है, और इसके उनको सोचना चाहिए। अब वहाँ जो है बिहार की जो है महापुरुषों की जो है भूमि है, उनको नहीं कहना चाहिए कि अपना
देखना चाहिए। इसके पहले भी वो पलटू राम भी कहे गए थे, कई प्रकार हुई थी जिनके ऊपर ये लाठन लगा रही थी और फिर उसी धरने पे जा रहे हैं, उनके लिए वो उनके पार्टी के लिए उनके बहुत बड़ा नुकसान है। नीतीश अगर भाजपा में शामिल हो जाते हैं भाजपा को फायदा ही होना, नुकसान नहीं होगा वहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ। इससे भाजपा को फायदा होगा लेकिन नीतीश को व्यक्तिगत नुकसान होगा। नीतीश की सामाजिक जो प्रतिष्ठा बनी हुई वो भी बिहार में डाउन होगी और इसका फायदा भी बच्चों को मिलेगा। लेकिन नीतीश जो है बिहार के कद्दावर नेताओं में से हैं और नीतीश के चले जाने से इस तरह से पिछली बार भी बीजेपी और नीतीश ने मिल करके चुनाव लड़ा था, इस तरह सफाया कर दिया उन लोगों को, तो इस बार भी संभावनाएं हैं भाजपा और नीतीश मिलने से काफ़ी कुछ भाजपा के पक्ष में जाएगा। भारतीय जनता पार्टी इस समय जिस तरह सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास के साथ बढ़ रही है तो पूरे देश में भारतीयता का और भारत का जो गौरव और सम्मान बढ़ा है, इस सम्मान बढ़ाने वाली बयार में जो भी साथ में आएगा उसका ही फायदा होना है। नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार भी अपने से आधी सीटों के बावजूद मुख्यमंत्री बनाकर लालू यादव जी के जंगल राज को ख़त्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करने को तैयार रहती है। अगर भारतीय जनता पार्टी के विकास में किसी को भी साथ लेना पड़ा तो कुर्बानी भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपनी देती है, क्योंकि हमारे लिए नेशन फर्स्ट की पॉलिसी रही है अभी भी है और आगे के भविष्य में रहेगी। बीजेपी वैसे भी फायदे में है और फायदे में रहेगी, नीतीश कुमार आए न आए, आते हैं तो भी फायदे में रहेंगे, उनका फायदा है बीजेपी का नहीं भाई। बीजेपी ऐसे भी आगे बढ़ रही है, आगे जा रही है, अब नीतीश कुमार आते हैं तो उनका फायदा है, बीजेपी का ऐसे भी फायदे में है। देखिए नीतीश कुमार को कहा जाए तो वह सत्ता की लहर को देखकर हमेशा परिवर्तन करते रहते हैं, तो नीतीश को फायदा होगा कि नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा होगा कि नहीं होगा ये बात की बात है, लेकिन इसका बहुत बड़ा नुकसान इंडिया गठबंधन को होने जा रहा है।